स्वागत है आपका दोस्तों हमारे YouTube चैनल में, जिसमें हम आपको रोजाना ऐसे हेल्थ टिप्स और ब्यूटी टिप्स बताते हैं जिससे आपकी लाइफ और हेल्थ दोनों इम्प्रूव होती हैं। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि खास मगर अत्यधिक लोकप्रिय तेल आप घर पर ही कैसे बना सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भृंगराज के तेल की। दोस्तों इस तेल को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। आपको चाहिए होंगे भृंगराज के पत्तों का एक बड़ा गुच्छा, जिसे आप अच्छी तरीके से साफ करके पत्तों और डंठलों को अलग कर लीजिए, पेस्ट बनाकर रख लीजिए। आप चाहें तो इसको पीस भी सकती हैं या हाथों से तोड़कर भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पर आप देख सकती हैं लगभग एक कटोरी आप भृंगराज के पत्तों का इस्तेमाल इसमें कर सकती हैं। और आपको चाहिए होगा एक कप नारियल का तेल। यदि आप नारियल तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहती तो आप तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पर मैं वर्जिन कोकोनट ऑयल यानी कि शुद्ध खाने वाला नारियल तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। दोस्तों आपको इसको बनाना कैसे है, सबसे पहले एक साफ पैन ले लीजिए, उसमें अपना नारियल का तेल लेकर गर्म कर लीजिए। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो आप फ्लेम को मीडियम कर दीजिए। उसके बाद देख लीजिए कि आपका तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो आप फ्लेम को बंद कर दीजिए और उसमें भृंगराज के पत्तों का जो पेस्ट हमने बनाया था उसको सॉस पैन में डालकर हल्के हल्के हाथों से चलाइए। दोस्तों सबसे पहले एक छोटे से सॉस पैन में आप तेल और इन पत्तियों को डालकर गर्म कर लीजिए। फ्लेम को मीडियम से लो ही रखिए। जब आप देखें कि हल्का हल्का पकने लगा है तो लगभग एक चम्मच मेथी दाना आप इसमें मिला दीजिए और इसको चलाइए। ध्यान रखिए कि आपको इसको जलाना नहीं है। लगभग 10 मिनट तक आप इसको गर्म कीजिए, उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए फ्लेम से उतार कर रख दीजिए। जब आपका ये तेल अच्छे से ठंडा हो जाए तो आप इसको छान कर अलग भी कर सकते हैं, और यदि आपको इसका तुरंत इस्तेमाल करना है तो अपने बालों को अच्छी तरीके से सुलझा कर आप उंगलियों की पोरों की मदद से मांग कर करके अपने पूरे स्कैल्प पर इस तेल की अच्छे से मालिश करें। लगभग एक से दो घंटे तक अपने बालों पर इस तेल को लगा रहने दें, या इससे बहुत अच्छे रिजल्ट पाने के लिए आप रात भर इसको लगा छोड़ दीजिए और अगले दिन सुबह आप इसको धो दीजिए। इस तेल को आप पूरे बालों में यानी कि स्कैल्प से लेकर बालों के सिरों तक अच्छे तरीके से लगा लीजिएगा। फिर अच्छी तरीके से बालों को धोने के बाद आप देखेंगे कि आपके बालों में तुरंत ही इसका असर दिखने लगेगा। आप इस तेल को स्टोर कर भी रख सकती हैं। दोस्तों आप इसको कितनी बार इस्तेमाल कर सकती हैं, इस तेल का इस्तेमाल आप सप्ताह में 3 बार कर सकती हैं। दोस्तों इस तेल को आप काफ़ी लंबे समय तक भी स्टोर करके रख सकती हैं। सिर्फ कांच की शीशी में आपको छान कर इसको रख लेना है, और जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो हल्का गुनगुना भी कर सकती हैं। दोस्तों भृंगराज सबसे शक्तिशाली जड़ी बूटियों में से एक है, जिसका उपयोग बालों के झड़ने और समय से पहले सफ़ेद होने से रोकने के लिए किया जाता है। ये बालों को स्वस्थ बनाए रखता है और आपकी स्कैल्प यानी कि सिर को भी अच्छी तरीके से नॉश करता है, पोषण प्रदान करता है। यह आपके बालों के साथ साथ आपके स्कैल्प से जुड़ी समस्याओं को भी दूर भगाता है, और ये आपके बालों के विकास और पुनर्विकास के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। ये बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। उम्मीद है आपको हमारा ये ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके लिए रोज़ाना ऐसे ही हेल्थ एंड ब्यूटी वीडियोज़ लाती रहूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।